आवाम के लिए खुशखबरी, नेप्रा ने बिजली की कीमत में 2.80 रुपए कमी की मंजूरी दे दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की मंजूरी दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आवाम के लिए खुशखबरी है, नेप्रा ने बिजली की कीमत में 2.80 रुपए कमी की मंजूरी दे दी है। अलीम मलिक से मजीद जानेंगे। अलीम बताइएगा बिजली की कीमतों से मुतालिक। जी, नेप्रा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली की कीमत में 2.80 रुपए फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। ये कमी जो है ये जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है और इसकी दरखास्त सीपीपीए ने जो है नेप्रा में जमा कराई थी। सीपीपीए का ये मौकफ था कि जून में जो फर्म बिजली है उससे 35% और फरना साहब से 32%, जबकि जो मकामी तौर पर हमारी गैस है उससे 18% बिजली पैदा की गई है और दरामदी गैस है जो है वो जून में तकरीबन 7%, जबकि जो एटमी तमनाई से 4% बिजली पैदा की गई है। सीपीपीए ने 2.80 रुपए जो है वो फी यूनिट कमी की दरखास्त 2.33 रुपए जो है वो दरखास्त दी थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 5 अरब रुपए मुख्तलिफ हेड्स में जो है 5 अरब रुपए रिलीफ का भी जो है दरखास्त की थी, तमाम उसने नेप्रा ने उसको मंजूरी नहीं दी है और जो बिजली की कीमत है उसमें 2.33 रुपए फी यूनिट कमी की 2.80 रुपए फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। जी अलीम, तफसीलात के लिए शुक्रिया। नेप्रा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दी है और आपको बताएं कि नेप्रा ने बिजली की कीमत में 2.80 रुपए कमी की मंजूरी दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कराची की बात करेंगे। कराची के सबसे बड़े गुजर नाले पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी है। अब तक एंटी तजावजात सेल की जानिब से 3 किलोमीटर का इलाका वागुजार करवा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, 30,000 मकानात हैं जिसमें से 10,000 मकानात को मिसमार करना है, 3 किलोमीटर का इलाका वागुजार करवाया गया है, तफसीला दीजिए इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले गुजर नाले पर आज 5वें रोज़ भी तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया जो है इस वक्त रिकवर कर लिया गया है और मशीनरी 3 किलोमीटर अंदर आ गई है और तकरीबन 320 से ज़ायद मकानात मस्मार कर दिए गए, जबकि इस दौरान नाले से कचरा भी निकाला जा रहा है और नाले की जो पानी की रवानी है वो भी रवान रखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है KMC के